सुप्रभात बच्चों, आप लोग कुशल पूर्वक होइएगा ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। और आप लोग स्नान ध्यान करके कुछ ब्रेकफास्ट करके तब आप ऑनलाइन पढ़ाई में उपस्थित हुए होइएगा। ऐसा भी मुझे विश्वास है कि जब ऑनलाइन क्लास में उपस्थित होइए तो पूर्व में आप स्नान वगैरह अवश्य कर लीजिएगा, क्योंकि कहावत है ए साउंड वर्ल्ड लिव्स इन ए साउंड माइंड। स्वच्छ शरीर में ही स्वच्छ मन का वास होता है। आपका शरीर ही स्वस्थ नहीं रहेगा तो मन कैसे स्वस्थ रहेगा। तो आज के इस वीडियो में, आज के इस क्लास में मैं आपको क्या कहा था पढ़ के आने के लिए, अव्यय पढ़ाने के लिए मैंने आपको कहा था। संज्ञा हो ही गया था, सर्वनाम हो ही गया था, विशेषण हो ही गया था, क्रिया का भी मैं बखिया उधेड़ दिया, क्रिया को भी मैं एकदम पाट पाट छिटका करके, जिसको कहते हैं तोड़ तोड़ करके, क्रिया के हर रूप को मैंने आपको बतला दिया। तो संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया, उसके बाद अब अव्यय का अव्यय पढ़ना, तो अव्यय भी के बारे में मैं आपको काल उल पढ़ाइए दिए हैं। काल नहीं पढ़ाए तुमको, काल तो पढ़ा दिए होंगे। क्रिया जो मैं पढ़ाया आपको, क्रिया के भेद, चलिए आपको मैं अव्यय पढ़ाता हूँ। अव्यय किसे कहते हैं, इस पर जरा बोल दीजिए। अव्यय जिसका व्यय ना हो उसे अव्यय कहते हैं। व्यय का मतलब खर्च, ह्रास। तो जिसका व्यय नहीं हो उसी को अव्यय कहते हैं। तो आप कहिएगा कि हिंदी के व्याकरण के किताब में ये आय व्यय कहाँ से आ गया, ये तो कॉमर्स नहीं है, मैथ नहीं है, आय व्यय हो गया। तो व्यय का यहाँ पर तात्पर्य यह है कि बहुत ऐसे शब्द होते हैं जिनके रूप बदलते हैं लेकिन कुछ ऐसे शब्द भी होते हैं जिनका किसी भी परिस्थिति में, किसी भी काल में, किसी भी वाक्य में उस शब्द का रूपांतरण नहीं होता है, वही शब्द रहता है। जैसे जब, तब, यहाँ, वहाँ, इधर, उधर, किधर, कब, आदि, ये सब क्या है अव्यय। किसी भी वाक्य में अगर लिखना होगा तो जब ही लिखाएगा, जैसे और सब शब्द में अंतर हो जाता है
न इस पर लिंग का असर पड़ेगा, न वचन का असर पड़ेगा, न कारक का असर पड़ेगा, कोई असर नहीं पड़ेगा। तो अव्यय वैसे शब्द को कहते हैं जिसके रूप में लिंग, वचन अथवा कारक के कारण कोई परिवर्तन न होता है उसे अव्यय कहते हैं। वैसा शब्द जिस पर लिंग, वचन अथवा कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लिंग वचन तथा कारक के कारण उस शब्द में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसे हम अव्यय कहते हैं। समझ गए होइएगा? खड़े आप अगर क्लास में मेरे सामने होते तो मैं आपसे पूछता, बच्चे को खड़ा करके पूछता कि बताओ बच्चा अव्यय किसे कहते हैं, तो बार बार मुझे ही बोलना पड़ता है। लेकिन बार बार के प्रयास से भी अगर आपको सफलता मिल जा रही है तो मैं बार बार भी बोल सकता हूँ, जिस शब्द पर लिंग, वचन तथा कारक का कोई प्रभाव न पड़े, यूं कहिए वैसा शब्द जिसमें लिंग, वचन तथा कारक के कारण उस शब्द में कोई परिवर्तन न आवे उसे अव्यय कहते हैं। ठीक है? विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय। क्रिया विशेषण अव्यय चूंकि आर्ट्स ऑफ स्पीच आप पढ़े होइएगा व्याकरण में भाषा के प्रकार, तो उसमें क्या है, आठ होते हैं, भाषा के आठ प्रकार होते हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। तो मैंने तो आपको लगातार पढ़ाया संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, आगे है क्रिया विशेषण। लेकिन मैंने आपको क्रिया विशेषण को नहीं पढ़ा करके अव्यय में अव्यय की ओर ले गया, इसीलिए ले गया कि मैं जानता था कि बाद बाकी जो कि क्रिया विशेषण जो मैं पढ़ा देता तो आज फिर आपको अव्यय में अव्यय के जो चार भेद होते हैं, पहला भेद है क्रिया विशेषण, तो क्रिया
क्रिया विशेषण तो पढ़ लीजिएगा ही, तो संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण हो गया। और उसके बाद संबंध बोधक अव्यय, समुच्च बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय, समझ गए कि नहीं। संबंध बोधक में होता है जिसको आप प्रीपोजिशन कहते हैं, है ना, क्रिया विशेषण को एडवर्ब कहते हैं, तो नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब, ये चार मैं लगातार पढ़ाया, संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया। अब उसके बाद जो मैं आपको पढ़ाता कि क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्च बोधक, विस्मयादि बोधक, तो ये सब की उत्पत्ति अव्यय से हुई है, इसीलिए मैंने आपको अव्यय पढ़ा दिया। और उसी अव्यय से ये चारों भेद समझ लीजिएगा। तो चार को हम संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया पहले पढ़ाए हुए थे, और चार को फिर ये हो जाएगा तो भाषा के प्रकार पूरा मेरा हो जाएगा, आठ हो जाएगा। तो पहला जो भेद है क्रिया विशेषण, नाम ही है क्रिया प्लस विशेषण, क्रियाधन विशेषण क्रिया विशेषण। विशेषण माने विशेषता बतलाता है किसकी, क्रिया का। क्रिया की विशेषता बतलाने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहे जाते हैं। जैसे हवा धीरे धीरे बहती है, हवा बहती है विशेषण नहीं है इसमें, हवा बहती है बहना क्रिया हुआ। और क्रिया की क्या विशेषता है कि धीरे धीरे बहती है, तो जिस वाक्य में क्रिया की विशेषता प्रकट हो उसे हम क्रिया विशेषण कहेंगे, क्रिया विशेषण हम उसे कहेंगे। क्रिया की विशेषता या क्रिया विशेषण भी चार प्रकार के होते हैं, स्थानवाची, कालवाची, रीतिवाची और परिमाण परिणामवाची। क्रिया विशेषण के चार भेद होते हैं। विशेषण के कितने भेद होते हैं? विशेषण के भी चार भेद होते हैं, लेकिन उसके अलग अलग होते हैं। गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्या गुणवाचक, परिमाणवाचक, हाँ संख्यावाचक विशेषण और एक सार्वनामिक विशेषण। गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक, सार्वनामिक, ये विशेषण के भेद हैं। लेकिन क्रिया विशेषण के भी चार भेद हैं। एक है स्थानवाची, स्थानवाची, कालवाची, रीतिवाची और परिमाणवाची। वाक्य के जो भेद हम आपको पढ़ाए थे अर्थ के आधार पर, याद है कि भूल गए? अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद बतलाए थे, विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक, संकेतवाचक, संदेहवाचक, विस्मयादिवाचक, आठ होगा ना। विधानवाचक, निषेधवाचक, इच्छावाचक, आज्ञावाचक,
प्रश्नवाचक, संदेहवाचक, संकेतवाचक और विस्मयादिवाचक। इसमें जो है क्रिया के भेद कालवाचक वाचक, स्थानवाचक, ठीक है, रीतिवाचक और परिमाणवाचक, इसको याद करना है सबको ना। क्रिया के चार भेद होते हैं स्थानवाची, कालवाची, रीतिवाची और परिमाणवाची। तो क्रिया विशेषण के जो भेद होते हैं यह है थोड़ा लंबा चैप्टर, क्रिया की यह जो विशेषता बताई जाती है ये चार तरहों से, स्थान संबंधी, काल संबंधी, रीति संबंधी और परिमाण संबंधी। तो आज इतना ही रहने दीजिए, क्योंकि ज्यादा पढ़ेंगे तो आपको बाउंस कर जाएगा। एक पढ़ाई घुसेगा और दूसरा पढ़ा हुआ चीज बाहर निकलेगा, क्योंकि आपका ये भर चुका होगा। अब इसमें ज़्यादा चीज देने का मतलब होगा कि इसमें का पूर्व से संचित चीज निकलने लगेगा। इसलिए आज इतना ही समझिए, अव्यय जिसका कोई व्यय ना हो, इसकी परिभाषा है कि जिस शब्द पर लिंग वचन और कारक का कोई प्रभाव न पड़े उसे अव्यय शब्द कहते हैं। जब, तब, यदि, तथा, एवं, जो, सो, तो ये सब जो है ना अव्यय शब्द। अब अव्यय के चार भेद होते हैं क्रिया विशेषण, संबंध, बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। तो उसमें एक मैं आपको पढ़ाया क्रिया की विशेषता बतलाने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। इनकी विशेषता चार तरहों से बताई जाती है, स्थान वाची, कालवाची, रीतिवाची और परिमाणवाची। राम वहां जा रहा है, वहां क्रिया विशेषण है। राम जा रहा है तो ये तो जाना क्रिया है, क्रिया की क्या विशेषता है, वहां जा रहा है कोई पर्टिकुलर प्लेस पर। तो पुनः कल मैं आपको क्रिया विशेषण से संबंधित बात बताऊंगा। आज की पढ़ाई को मैं यहीं स्थगित करना चाहता हूं। धन्यवाद बच्चों।